Dear students, how are you all? I hope you will fine and I welcome you to science class for class 7. And today we are going to start the new chapter, that is wind, storm and cyclone. So without wasting time, let's get started. Okay, so first of all, what do you mean by wind? Okay, so wind is the movement of air. Okay, wind is the movement of air due to the difference in its temperature. Okay, what is mean? Okay. So suppose कि this is the earth, okay, this is the earth, ये पूरा air everywhere is our atmosphere is filled with the air, okay. What happen कि if this is here is the sun's location, so what will happen this area will get intense heat, okay, this much area will get intense heat, okay. So here's air, यहाँ का जो एयर है ये ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है. जब भी एयर हीट होता है तो वो ऊपर जाता है, ठीक है. तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ का स्पेस खाली होगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही एक साथ जाएगा फिर एक साथ ऐसा कुछ होगा, ठीक. तो यहाँ का जो एयर है ये ज़्यादा हीट होगा कंपेरेटिवली, यहाँ का जो एयर है इसको इतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा और ये उतना हीट नहीं होगा. लेकिन ये जो रीजन है यहाँ का जो एयर है काफ़ी हीट हो जाएगा और ये ऊपर उठने लगेगा, ठीक है. फिर क्या होगा कि यहाँ से स्पेस खाली होगा, फिर यहाँ का जो एयर है ये यहाँ के स्पेस को भरने के लिए ये यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ठीक है. तो जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे विंड, ओके. सो व्हाट इज विंड? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर, ओके. एंड व्हाई इट हैपन? ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर. हियर टेम्परेचर इज हाई, हियर टेम्परेचर इज लो, ओके. सो यू कैन अंडरस्टैंड. जस्ट लाइक अगर एक ऐसे एक पॉन्ड है या ऐसे कोई पानी ऐसे भरा है, ठीक है, या ऐसे कुछ बड़ा लेते हैं, ऐसे कहीं पानी ऐसे भरा है, ठीक है. तो अगर यहाँ से हम लोग पानी निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से पानी निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ का जो पानी होगा वो इधर आप आएगा, ठीक है. वैसे कुछ एयर के साथ में भी होता है. तो एयर क्यों मूव होता है? अगर कहीं का एयर हॉट हो जाता है तो ऊपर जाता है, एयर कूल होता है तो वो नीचे आता है, ठीक है. यस, सो एयर डिफरेंस की वजह से एयर जो होता है वो मूव होता है और उसको हम लोग बोलते हैं विंड, ओके. यस, सो जब विंड जो होता है वो काफ़ी तेज से फ्लो होता है, ब्लो होता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म, ओके. और जब ये विंड काफ़ी तेज से ब्लो होता है प्लस जो वाटर है सीज है उसको काफ़ी वेव्स बना देता है, ऊंची ऊंची वेव्स बना देता है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोन, ओके. मींस वाटर प्लस विंड अगर दोनों ही डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाते हैं तो उसको बोलेंगे साइक्लोन, ओके. सो यू गेट न्यूज़ इन टीवीज कि यहाँ पे जैसे कि साइक्लोन ऑक्सी आया, ओके, साइक्लोन फानी आया, जो गुजरात में भी जल्दी आया, साइक्लोन वायु आया, ओके. तो बहुत सारे जो कोस्टल रीजन है मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, जो कोस्टल रीजन होते हैं जैसे कि ये हमारा इंडिया है, तो ये जो कोस्टल रीजन है ये वर्ल्ड मैप है, तो ये जो हमारा कोस्टल रीजन है जबकि यहाँ गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, ओके, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, ओके. सो दीज आर द कोस्टल स्टेट. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे जो एयर आएगा काफ़ी स्पीड से आएगा और इसको हीट करेगा, जो भी यहाँ पे आएंगे, जो भी घर या पेड़ आए उसको काफ़ी तेज से हीट करेगा और काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है. यस, और जब वो ये एयर जब आगे मूव करेगा तो उसकी स्पीड काफ़ी लो हो जाएगी, है ना. तो इसलिए अंदर इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कोस्टल रीजन में ही होता है, ओके. यस, सो मेक इट क्लियर, ओके. यस, ओके. सो साइक्लोन, यस, साइक्लोन इज द विंड विद अ हाई स्पीड प्लस विद अ हाई वेव, ओके. हाई वेव 3 to 7 meter कि ये जो वेव है वो ऐसे वेव बन जाती है जो सी वाटर में, ओके. यस, सो हम लोग ये चैप्टर ये लेसन में हम लोग देखेंगे वाटर साइक्लोन, हाउ दे आर फॉर्म, व्हाई दे आर सो डिस्ट्रक्टिव, इज देयर एनी वे टू कंट्रोल देम, इफ इट इज देयर एनी वे तो हाउ कैन वी मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन, ओके. सो ऑल दीज विल सी, ओके. यस, सो मोस्टली द साइक्लोन कम इन द ट्रॉपिकल रीजन. दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द इक्वेटर, ओके. इक्वेटर ही इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ही इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो इन दिस रीजन मोस्टली द स्टॉर्म साइक्लोन कम,
ओके यस सो मेक इट क्लियर एंड आवर आवर कंट्री आवर आवर पोजिशन आवर कंट्रीज पोजिशन कम इन दिस लाइज इन दिस ओके सो वी फेस मेनी टाइप ऑफ साइक्लोन्स एंड मेनी टाइम्स ओके यस द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट द मूविंग एयर एक्सर्ट प्रेशर ओके सो वेन एवर यू सपोज द विंड इज ब्लोइंग दिस डिरेक्शन ओके सपोज विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड यू आर गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सो ऑब्वियसली यू विल फेस सम रेजिस्टेंस द एयर विल पुट सम फोर्स ऑन यू ओके एंड यू विल फाइंड डिफिकल्ट टू राइड द साइकिल ओके यस सो वॉट इट प्रूव्स दैट द मूविंग एयर एक्सर्ट प्रेशर ओके यस सिमिलरली यस दिस दिस याच ओके द शिप ओके द सेलिंग ओके द सेलिंग शिप it has a curtain okay when the winds blow this help to move this boat okay yes so why this help to move the boat because it exert pressure on this curtain in this cloth okay on the curtain and it help to move the boat okay yes then this kite this moving air exert pressure on the kite and it help to fly okay yes then the next is that when we blow when we fill the air in a balloon okay so it has a certain limit okay if that limit is exceeded agar wo limit se zyada usme hawa bhar denge to iski capacity hold karne ki capacity nahi reh jati aur wo phoot jata hai okay yes and many times jo hamare aapne dekha hoga ki barish ke mausam mein abhi bahut bar jo storm aata hai तो उससे क्या होता है बहुत सारे जो ट्रीज़ होते हैं अपरूट हो जाते हैं जड़ से उखड़ जाते हैं जो उनकी ब्रांचेस है जो उनकी लीव्स है वो गिर जाती हैं वो क्यों होता है क्योंकि जो एयर है वो एयर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है ठीक है और वो प्रेशर की वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है ओके यस ओके द नेक्स्ट इज हाई स्पीड विंड आर अकम्बेंड बाय रिड्यूस प्रेशर वॉट इट मीन ओके मीन्स जहाँ पे भी अगर हाई विंड है हाई स्पीड की विंड है तो वहाँ पे क्या होगा प्रेशर कम हो जाएगा अगर विंड का स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा अगर विंड का स्पीड स्लो है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा ठीक है यस कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे कि ये रोड है और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं ये रोड के बाहर भी गाड़ियाँ हैं ठीक है ऐसे सब गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी सब खड़े हैं ठीक है तो क्या होगा कि प्रॉपर सब में डिस्टेंस बना रहेगा लेकिन अगर ये फास्ट मूव करने लगी गाड़ियाँ तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा या बढ़ाना पड़ेगा अगर ये मूव फास्ट करेंगे तो जगह बढ़ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे जो जगह की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई और यहाँ पे जगह की मात्रा कम है तो वैसे ही हो जाता है सपोज अगर ये पूरा एयर फिल है ठीक है एयर पूरा फिल है और यहाँ पे ऐसे विंड ब्लो हो रही है तो क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर जो है ये कम हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ये हवा कोशिश करेगी यहाँ से यहाँ जाने के लिए ओके दिस द एयर पार्टिकल फ्रॉम हियर दे विल ट्राई टू कम हियर ओके बिकॉज हियर प्रेशर इज हाई एंड हियर इन दिस रीजन प्रेशर इज लो ओके यस सो ड्यू टू दिस रीजन क्या होता है अगर कोई घर है ठीक है और ऐसे हवा बह रही है तो ये ऐसे ऊपर हवा काफ़ी तेज़ से बहेगी और नीचे तो उतना हवा जा नहीं पाएगी अगर हम लोग पूरा डोर और विंडो बंद कर देंगे तो ऊपर हवा ऐसे ब्लो होगी फ्रीली तो क्या होगा कि ऊपर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और नीचे का प्रेशर ज़्यादा रहता है इसकी वजह से जो इसके रूफ है वो जल्दी गिर जाते हैं ओके यस देन नेक्स्ट थिंग इज दिस प्रेशर डिफरेंस इन प्रेशर रिड्यूस इन प्रेशर हेल्प द एरोप्लेन टू फ्लाई क्या होता है स्टार्टिंग में कि ये जो इसकी विंग्स है इसको थोड़ा स्लैंड करते हैं ठीक है ऐसे ऐसे रहता है और ऐसे रहता है ना यस तो ये जो विंग है इसको थोड़ा स्लैंड करते हैं ऐसे इसको थोड़ा तिरछी कर देते हैं ऐसे तो क्या होता है कि जो भी एयर यहाँ से आ रहा है ये इससे ऐसे फ्लो होने लगती हैं ऐसे जब फ्लो होने लगती हैं ज़्यादा ही जब एयर है वो ऐसे कलेक्ट होकर ऐसे फ्लो होने लगती हैं तो क्या होता है यहाँ पे विंड का स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है मतलब कि जो एरोप्लेन है इसके ऊपर के रीजन में इसके बॉडी के ऊपर के रीजन में प्रेशर कम हो जाता है और इसके नीचे हवा ज़्यादा नहीं है प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होता है कि ये हेल्प करता है इसको ऊपर उठने में
ठीक है, इसको फ्लाई होने में हेल्प करता है। ठीक है, यस, जब ये स्टेबल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके विंग्स को ऐसे न करके इसके विंग्स को ऐसे कर देंगे, सीधा कर देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, फिर ये ऐसे फ्लाई होने लगेगी। ठीक है, यस। और जब ये टेक ऑफ करना है तो इसके विंग्स को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि नीचे का प्रेशर कम हो जाए, ऊपर का ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो फिर वो लैंड करने में ईजी हो जाएगा। तो ये जो विंग्स है एरोप्लेन की, जो विंग्स है वो ऐसे 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 ऊपर नीचे करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं प्रेशर। ओके, यस। वैसे अगर हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं कि अगर एक बलून यहाँ पे हैंग किया है और एक यहाँ पे, ठीक है, अगर इसके बीच से हम लोग एक राउंड पाइप से ब्लो करते हैं, विंड ब्लो करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ अब यहाँ पे पूरी जगह एयर फिल है, तो यहाँ की जो एयर है वो यहाँ ऐसे ब्लो होगी। जब यहाँ पे ऐसे एयर ब्लो होगी तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि ये जो है ये यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा ये बीच के रीजन में, तो ये दिस बलून्स विल ट्राई टू कम हियर इन दिस रीजन। ओके, यस। ऐसे ही वैसे ये दिस टाइफून्स डू नॉट अकर इन इंडिया मोस्टली। ओके, दिस आर अकर इन USA। सो लेकिन ऐसे ऐसे छोटे अमाउंट में ऐसा हमारे यहाँ पे आता है, कभी कभी ऐसा आपने देखा उसको, लोकल लैंग्वेज में बवंडर बोलते हैं, BAWANDER, बवंडर। ओके, तो बोलते हैं कि इसके बीच में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो डेथ हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में एयर रहता ही नहीं है, मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो नहीं होता है, वो काफ़ी इतनी तेज़ इस विंड स्पीड से घूमती है कि प्रेशर कम होता है, अगर उसके बीच में कोई चला जाए तो वो ब्रीद नहीं कर पाएगा और वो उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसका रीज़न ये है। ओके, यस। द नेक्स्ट इज द एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ओके, सो क्या होता है कि एयर है, अगर यहाँ पे इतना एयर है, अगर इसको हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपांड हो जाएगा, दूर दूर फैल जाएगा। ओके, दूर दूर फैल जाएगा, और अगर इसको कूल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि एक हम लोग ऐसे ग्लास की पाइप लेते हैं, मतलब कि टेस्ट ट्यूब जैसे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें कुछ फिल नहीं, इसमें सिर्फ एयर फिल है। ठीक है, इसमें एयर ऐसे फिल है, क्या करेंगे, इसके यहाँ पे एक बलून लगा देंगे। ठीक है, इसके यहाँ पे ऐसे बलून लगा देंगे और इसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे, एक हॉट वाटर में इसको रखेंगे, तो जब ये हीट होगा तो इसके अंदर का एयर जो ये हीट होगा, जब एयर हीट होगा तो ये एक्सपांड होगा एयर, जब ये एक्सपांड होगा तो क्या होगा, ये बलून जो है ये भी एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग एयर को, या जब भी एयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है तो वो एक्सपांड होता है। ठीक है, अगर इतना सा एयर इसको अगर हम लोग हीट करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, दूर दूर तक फैल जाएगा। और इस इतने ही अमाउंट को अगर एयर को हम लोग कूल कर देंगे तो वो काफ़ी कम जगह में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, इफ नॉट देन प्लीज आस्क। देन नेक्स्ट, हॉट एयर राइजेस अपवर्ड एंड कूल एयर सिंक डाउन। ओके, यस। सो जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, तो जैसे कि यू हैव सॉ दिस हॉट एयर बलून इन मूवीज और यू मेट सीन इन द रियल लाइफ। ओके, सो व्हाट हैपन कि यहाँ पे इसके नीचे ऐसे फायर जला जाता है। ठीक है, सो इससे जो हॉट एयर होता है ये बलून में फिल हो जाता है, और सिंस हमने देखा है कि जो हॉट एयर होता है वो ना कि वो सिर्फ एक्सपांड ही नहीं होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, इट राइजेस अपवर्ड, तो जब ये हवा ऊपर जाएगा तो ये बलून को साथ में लगे जाएगा, बलून को साथ में लगे जाएगा तो हम लोग इसके नीचे भी इसके साथ मूव कर सकते हैं, अगर हमको कहीं जाना है तो। ठीक है, वैसे अगर आप कभी देखेंगे, अगर आप कोई ग्रास या ड्राई एयर लीव्स, ग्रासेस और लीव्स को अगर आप बर्न करते हैं तो जो स्मोक होता है वो क्या होता है, सीधे ऊपर जाता है। ठीक है, अगर जितना उसको वो ऊपर जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर है और जो एयर का टेम्परेचर है, तो एयर का टेम्परेचर के कंपेरेटिवली इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये जो है ये ऊपर मूव होता है। ठीक है, यस, सो ओके, यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, एंड बिफोर दैट यू हैव सम क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर देम, लाइक राइट थ्री एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर। ठीक है, तो ऐसे तीन एग्जाम्पल लिखने हैं जिससे कि पता चले कि एयर जो होता है प्रेशर एग्जर्ट करता है।
आपको एक्सप्लेन करना है दैट हाउ एयर चेंजेस व्हेन इट इज़ हॉट. ओके, हॉट होता है तो क्या होता है, वो एक्सपांड होता है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है. एंड इट्स ए व्हेन इट इज़ हॉट एंड व्हेन इट इज़ कूल. ओके, तो कैसे, तो क्वेश्चन इज लाइक, सॉरी, एक्सप्लेन हाउ एयर चेंजेस व्हेन इट इज़ हॉट एंड व्हेन इट इज़ कूल. ओके, सो दिस इज रिपीटेड, दिस इज रिपीटेड व्हेन इट इज़ कूल. वाई हॉट एयर राइजेस अपवर्ड, वाई हॉट एयर राइजेस अपवर्ड, बिकॉज इट एक्सपांड. ओके, यस, एंड इट इट ट्राइज टू राइज अपवर्ड. ओके, यस, बिकॉज देयर इज नो स्पेस डाउनवर्ड. ओके, इट हैज अ लॉट ऑफ अमाउंट, लॉट ऑफ स्पेस अपवर्ड. ओके, टू कवर दैट स्पेस इट राइजेस अपवर्ड. ओके, यस. So that's all for today. If you have any doubts, please ask. Thank you so much. Keep studying.